हेलो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। और ये कुछ प्लांट्स है मेरे बगीचे में लगाया हुआ है और उसमें पानी डाला जा रहा है सुबह सुबह। और अब हम आ गए हैं अपने किचन में चाय बनाने। पानी डालने से खूब ठंडी ठंडी लग रही है तो चाय बनाने आ गए हैं। चाय वैसे भी सुबह हम बनाते हैं, थोड़ा सा सोचे पानी डाल दो पहले पौधों में, बहुत ज़्यादा सूख लिया था इसलिए। तो चाय बनाने के लिए पानी दूध दोनों मिला करके हम रख दिए हैं, गैस ऑन कर दिए हैं, चाय पत्ती ऐड कर दिए हैं, चीनी एंड शुगर ऐड कर रहे हैं और ये थोड़ी सी अदरक इसमें हम ग्रेट करके, कभी कूट करके जो छोटा सा खलबट्टा है उसमें कूट करके ऐड कर देते हैं, कभी इस तरह से घीस करके ऐड कर देते हैं, दोनों बराबर ही होता है। क्या होता है ना कि सुबह सुबह बेटा सोया रहता है और हम उठकर कूटने लगेंगे ना तो उसको डिस्टर्ब होता है, और वैसे ही थोड़ी देर में उसको उठना ही है इसलिए हम इस तरह से इसमें ग्रेट कर देते हैं। तो चाय बन करके रेडी हो गई है, आ जाइए आप सब भी हमारे साथ सुबह सुबह चाय पीने। मोस्ट वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग टी पे, ये आपके लिए। और हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का घोसा। तो ये हम रात में भिगो कर, रात में नहीं मतलब ये 24 घंटा हो गया है भिगोए हुए, सुबह ही कल सुबह हम भिगोए थे, पूरा दिन पूरा रात ये फूला है। चना का दाल और चावल बराबर बराबर क्वांटिटी में है, मान लीजिए कि एक गिलास चावल और एक गिलास दाल दोनों बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में है इस तरह से। और इसको हम इसमें पीस लेंगे, इसको खूब अच्छे से साफ़ किया हुआ है, दाल चावल दोनों को साफ़ करके वॉश करके धो करके इसको जो है हम भिगोए थे और अभी भी इसको धोने के बाद यहाँ पे लाए हैं। पता नहीं मुझे धुंधला दिख ही रहा है या वीडियो शूट हुआ ही धुंधला है, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो बहुत हल्का हल्का लाइट दिख रहा है। और पानी इसमें हमें इतना ऐड करना है कि हमें पानी इसको बैटर को रेडी होने के बाद पानी नहीं मिलाना है, पीसते वक्त ही जो पानी ऐड करना है वही ऐड करना है, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी देखते हुए मुझे ऐड करना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो पीस गया है मेरा चना और चावल, चना का दाल और चावल पीस करके रेडी हो गया, उसको हम रख देंगे कुछ देर के लिए। और अभी हम बना रहे हैं चटनी मूँगफली के दाने की। मूँगफली के दानों को पहले भून लिए हैं, भून करके छिलका उतार दिए, इसमें कच्चा नारियल, थोड़ी सी काजू, दो तीन काजू, दो तीन बादाम, दो तीन छुहारा, किशमिश और खटाई, लहसुन, मिर्चा, अदरक, नमक, इन सबको एक साथ हम पीस लेंगे। ये नमक है, इन सबको एक साथ हम पीस लेंगे। सब लोग सोचेंगे कि ये सभी पड़ता है क्या, ये छुहारा छुहारा का बिया निकाल रहे हैं, बहुत टाइट था तो इसको थोड़ी देर हम भिगो भी रहे थे फिर भी नहीं कट रहा था। तो ये सभी चटनी बनता है, पर हाँ ये भी चटनी बनता है और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से पीस करके। कच्चे नारियल का भी सिर्फ अलग से चटनी बनती है, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी मूँगफली थी, थोड़ी सी नारियल थी, तो इन दोनों को हम मिक्स करके चटनी बना दिए। मेरा भतीजा आया था तो उसको ये सब बहुत पसंद है, डोसा, छोला भटूरा, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो छोला भटूरा भी हम बनाए थे पर उसका वीडियो नहीं बनाए क्योंकि उसका हम थोड़ी दिन पहले अभी वीडियो बनाकर ऐड कर चुके हैं, मतलब वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उसका हम वीडियो नहीं शूट किए हैं, सिर्फ ये डोसा का शूट किए। तो अब हम आ गए हैं गैस के पास, तो कढ़ाई गर्म किए हैं, कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ी सी जीरा ऐड किए हैं और हरी मिर्च और प्याज का तड़का दिए हैं, थोड़ा सा लाल होने के बाद ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को छोटे छोटे कट करके इसमें हम ऐड कर दिए हैं, कैबेज है, पत्ता गोभी छोटा छोटा महीन महीन काट करके इसको इसमें ऐड कर दिए हैं, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ये गाजर है इसको ग्रेट कर लिए हैं, कैरेट और ये आलू हम बॉईल करके रख लिए हैं, बॉईल करके छिलका उतार, आलू बॉईल करते समय ना आलू को धो करके बॉईल करना चाहिए और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देने से
आलू बहुत अच्छे से पक भी जाता है, प्लस छिलका बहुत आसानी से उतरता है। और जैसे थोड़ी देर कभी कभी रुक जाता है इंसान, हम लोग भूल जाते हैं उतारने में, तो जैसे आलू कभी कभी फट जाता है ना, तो वो फटता नहीं है, अच्छा ही रहता है। इसलिए आलू बॉयल करते में थोड़ी सी नमक ऐड कर देना चाहिए। और अब इसमें हम थोड़ी सी एवरेस्ट मसाला, ऐड किए हैं, मिक्स कर लिए, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी गरम मसाला। इसमें हम दोनों मसाला, थोड़ी सी एवरेस्ट मसाला, थोड़ी सी गरम मसाला ऐड किए हैं टेस्ट अकॉर्डिंग, नमक, और सब कुछ भून गया है, पक गया है जो वेजिटेबल था। उसके बाद हम आलू ऐड करके इसमें भून लिए। भूनने में समय लगता है, इसको अच्छे से भूनना चाहिए, पर हमें जल्दी से दिखाना था इसलिए हम उतना टाइम नहीं लिए। और लास्ट में आलू भून करके पूरी तरह से रेडी हो गया है, तो इसमें हम धनिया की पत्ती ऐड करके इसको भी खूब से मिक्स कर देंगे। गैस को बंद कर चुके हैं। इसे हम इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, निकाल लेंगे, और इसी पैन में हम चटनी को छौंकेंगे इसी कढ़ाई में। इसको हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ क्या करना है, साफ़ तो है ही, इसी में हम चटनी में तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए हम सरसों का तेल फिर से उसी कढ़ाई में लिए हैं। थोड़ी सी, ज़्यादा तेल नहीं ऐड करना है, तेल तेल हो जाएगा। और इसमें सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता, सरसों का तड़का लगाए हैं, और जो चटनी पीस करके रखे हैं उसको इसमें हम पलट देंगे। यह चटनी बहुत अच्छी लगती है, एक बार सब लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा, बहुत आसान है बनाना, इजी है। मूंगफली के दाने को भून दिए, भून करके उसका छिलका उतार दिए, और उसमें घर में जो भी है, सूखा नारियल हो, कच्चा नारियल हो, थोड़ी सी काजू बादाम छुहारा ऐड करके पीस दीजिए, और इस तरह से तड़का लगा दीजिए। चटनी बहुत अच्छी लगती है, कभी भी बनाया जा सकता है। और ये बेटर मेरा, यह डोसा हम 3 घंटे के बाद बना रहे हैं, तो पीस करके रख दिए थे, काफ़ी अच्छे से उतरेगा, निकल जाएगा काफ़ी अच्छे से। और मेरा तवा भी छोटा है, तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा हम नहीं बनाए, छोटा छोटा ही बनाए थे। ये बहुत आसानी से निकल जा रहा था ना, तो मेरा भतीजा करता है कि बुआ कितना आसानी से निकल रहा है, चिपक नहीं रहा है बिल्कुल, बहुत खुश हो रहा था। बड़ा वाला भतीजा आया था और तुरंत फ़ोटो खींच करके छोटे वाले भतीजे को सेंड, बहुत खुश हुआ था। और ये जो आलू हम बनाए हैं, इसको इस पर इस तरह से हम फैला देंगे। वैसे तो पूरे में भी फैलाया जा सकता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है, इस तरह से खाने में आसानी होती है। और बहुत ज़्यादा आलू नहीं कोई खाएगा, मान लीजिए बच्चे ही हैं तो बहुत ज़्यादा तो खाएंगे नहीं, इसलिए हम हाफ में ही इसको इस तरह से भर दिए हैं। और भर करके बहुत क्रिस्पी बनी है, एकदम गरम गरम था, बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। और अगर मेरा वीडियो डोसा, चटनी, आलू मसाला अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा, कभी कभी थोड़ा थोड़ा चिपकता है तो वो निकल जाता है आसानी से, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है निकालने में। तवा खूब ज़्यादा गर्म होना चाहिए, और जब हम बैटर तवा पर ऐड कर रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं, तो अपने फ्लेम को, गैस के फ्लेम को कम कर देना चाहिए। और जब पूरी तरह से रोटी को, यानी डोसा को पूरे तवा पर फैला लें, तब फ्लेम को तेज़ करना चाहिए। तो इसकी जो ये डोसा है तवा पे जो है वो बहुत आसानी से निकल जाता है, निकलने में दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी चिपक जाता है, नहीं निकलता है आसानी से, लेकिन निकल जाता है। इस तरह से हर डोसे पर हम फैलाते जाएंगे। और इससे भी क्या होता है ना, थोड़ी देर ये भी इसमें इसके साथ सीख जाता है, तो अच्छा हो जाता है। इतना क्रिस्पी है कि मुड़ नहीं रहा था। तो ये बनकर रेडी हो गई है आप सबके लिए। प्लीज़ आप लोग खा लीजिए और बताइएगा कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। थैंक यू।